यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन में मैक्सिमम चीज़ हम लोग कवर कर लिए है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में आपने बोला भी था कि इसका थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, बस हमको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स का कोई लिमिट नहीं है, है ना, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, ठीक है। बट उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है मल्टी ब्लॉक सिस्टम का, वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अभी तक का एक या दो बार ही आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, मेंस में कभी पूछा ही नहीं है, है ना। तो फिर भी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस में है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है ना, कभी पूछा जा सकता है, और पूछेगा तो एडवांस नहीं पूछेगा, मेंस में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। उससे पहले एक दो तीन टाइप का प्रॉब्लम और हम लोग देख लेते हैं, है ना। और मल्टी ब्लॉक सिस्टम कवर करने के बाद आज हम अपना फ्रिक्शन का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आप लोग अपना SCB का जितना प्रॉब्लम था वो आप लोग कर लोगे, ठीक है, फ्रिक्शन का। बाकी आपका असाइनमेंट जाएगा, असाइनमेंट आप कर लोगे, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात बोले तो जैसे देखो सिंपल सा एक ये प्रॉब्लम वर्टिकल वाला केस करते हैं कि सिंपल एक ब्लॉक है, और ब्लॉक ये ब्लॉक है हमारे पास, मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे इधर से क्या है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले जनरल केस ले लेते हैं, ये m kg का ब्लॉक बोल रहे हैं, m kg का ब्लॉक है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस इसके बीच में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक है। अब ये वाला समझने की बात है कि अगर इस ब्लॉक पे प्रैक्टिकल सोच के देखो कि अगर तुम कोई चीज़ को होल्ड करता है, है ना, ऐसे करके हम किसी चीज़ को ऐसे करके होल्ड करते हैं तो वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। स्टेशनरी क्यों रहता है, क्योंकि इसके जब इसको हम फोर्स दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई म्यू का जो होगा वही क्या काम करेगा, फ्रिक्शन के रूप में काम करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन के रूप में काम करेगा। अगर देखा जाए तो अगर सपोज करो कि ये वाला फोर्स नहीं होता तो क्या होता कि नीचे की तरफ यहाँ पे mg लगता, ठीक है ना, नीचे तो क्या लगता है, mg लगता, क्योंकि ये वाला वर्टिकल प्लेन में है ना, क्या है, ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये सरफेस के कांटेक्ट में होगा भी तो नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू बहुत कम होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू बहुत कम होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो हुआ इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो अपवर्ड, मतलब इसका ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ आने का है, नीचे आने का है, तो नीचे आने का ब्लॉक का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर लगता, बट यहाँ पर फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये फ्री फॉल के रूप में क्या आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा, समझ में आ रही है बात, है ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये वाला फोर्स यहाँ पर लगाना शुरू कर दिए, तो ये सरफेस इसके कॉन्टेक्ट में है, इसका ब्लॉक का जो सरफेस है ये सरफेस के वाल, इसको मान लेते हैं वाल है ये, ठीक है, ये वाल के कांटेक्ट में है। अगर ये वाल के कांटेक्ट में है तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन के रूप में काम करेगा, है ना, क्या करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के रूप में काम करेगा। अगर इसका FBT बनाए हम तो देखो, तो क्या बनाएंगे कि ये यहाँ से F इधर लगा, ये ब्लॉक को कंप्रेस किया, तो ये वाल क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये वाला वाल इस पर देगा, जिससे हमको मतलब अभी है नहीं, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ है, नीचे मूव करने का, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, सिंपल है ना, सिंपल हो गया। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि रेस्ट में रहे,
कितना फोर्स हम लगाएंगे ताकि ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो क्या करना है, सिंपल, इतना काम के बाद में कुछ काम ही नहीं है, आसान हो गया ये वाला सिस्टम, क्या हो गया हमारा अब आसान हो गया। सिंपल सा लिखो, क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे बोलो। अगर इसका हॉरिजॉन्टल में दे देखे तो क्या देख रहे हैं, नॉर्मल इसे इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ये वाला है ना, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में हो गया इसका एबीडी है ना। वर्टिकल में देखते हैं, वर्टिकल में देखते हैं क्या है, वर्टिकल में देखें तो नीचे क्या लग रहा है इसका, एम जी लग रहा है ना, ऊपर क्या लग रहा है इसका, ऊपर क्या लग रहा है, म्यू इंटू एन लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो वर्टिकल प्लेन में करेगा, वर्टिकल प्लेन में अगर स्लाइड करता है तो स्लाइड कब नहीं करेगा, जब क्या होगा कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एम जी, म्यू एन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, म्यू सॉरी एम जी से। अगर एम जी से, अगर एम जी ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या करेगा, ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्लाइड ना करे उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, म्यू एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो हॉरिजॉन्टल में ये क्या क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हम लिख क्या लिख सकते हैं, एन को क्या लिख सकते हैं, एफ के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एन को एफ के बराबर लिख सकते हैं। ये एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये म्यू इंटू एफ, अगर हम लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं तो इक्वल टू साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एम जी, ठीक है ना। तो एफ कितना हो गया हमारे पास, एफ कितना हो गया, एम जी बाई क्या हो गया, म्यू, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल है ना। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बना सकते हैं, देखो यहाँ फोर्स हमने क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल लगाया, तुमको क्वेश्चन दे दे रहे हैं, लो मैंने सॉल्व करना है इसको, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्या बोल रहे हैं, ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मास एम है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम बना देते हैं, लो प्रॉब्लम बना देते हैं, लो ये हो गया तुम्हारे पास 2 kg का मास है, ठीक है ना। अब देखना फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये एंगल दिया है, ये एंगल मान लो दिया है 37 degrees, ठीक है, एंगल दिया है 37 degrees, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0. ठीक है, दिया है 0.4, ठीक है 0.4, बस इतना क्वेश्चन है। ये फोर्स तुमसे पूछा गया कि फाइंड फोर्स, फाइंड एफ सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो दैट ब्लॉक विल बी, ब्लॉक विल बी, ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, बस इतना ही। कभी इधर से लगा सकते हैं, कभी इधर से लगा, किधर से अट्रैक्शन लगा सकते हैं, फोर्स करना क्या है, देखो इसमें क्या करोगे, दो कंपोनेंट, एक इसका इधर जाएगा ऊपर की तरफ और एक इधर आएगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, नॉर्मल एक्शन के बराबर में होगा, और फिर क्या करोगे, वर्टिकल में भी इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है ना। ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। चलो इसको करना, इसको करना और देखते हैं, लिख लो इसको, इसको लिख लो, बस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, ठीक है। जितना मन हो उतना बना सकते हैं, प्रॉब्लम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितना मन हो उतना बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो तो जैसे ये वाला, ये वेल्स मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा है, इस पर ये वाला इस तरह केस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या किए थे याद होगा तुमको,
विदाउट फ्रिक्शन किए थे, ठीक है ना जी। क्या बोले कि यहाँ से मान लो सपोज कि एक इस ब्लॉक के ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या आ रहा है इस पर एक्सेप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, म्यू दिया है ना, क्या दिया है, म्यू दिया है। अब ये सोचो क्या बोल रहे हैं, सही से इसका एबीडी देखे ना तो क्या दिखेगा हमको कि नीचे की तरफ हमको एम जी दिखेगा, ठीक है ना। इधर क्या दिखेगा हमको, एम जी कॉस थीटा दिखेगा। इधर क्या दिखेगा हमें, एम जी साइन थीटा दिखेगा, सही है ना, है ना। ऊपर में क्या दिखेगा, नॉर्मल एक्शन दिखेगा। रुक जाना अभी क्या बोल रहे हैं। अब अगर अगर ये एक्सलेशन नहीं लगते रहता ब्लॉक पे, ठीक है, अगर ये एक्सलेशन नहीं लगते रहता तो क्या होता, यहाँ पे नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा है तो ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है, नीचे मूव करने का, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर लगता, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऊपर लगता। सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान सुनना। तुम एक बात सोचो, ये वाला ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है, एम जी साइन थीटा से नीचे आने का, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मानते हैं ना कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, क्योंकि तुमको दिख रहा होगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इस पर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा। इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, अगर एक कंपोनेंट इधर होगा वही क्या करेगा, एम जी साइन थीटा को अगर बैलेंस कर लेगा, अगर एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा तो ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी में रहेगा। समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर एम जी साइन थीटा से ज्यादा हो गया ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा, ऊपर जाना चाहेगा। समझ आ रहा है, अगर एम ए का ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा, अगर ये एम जी साइन थीटा से कम होगा तो ब्लॉक नीचे आएगा। अगर एम ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर एम जी साइन थीटा से ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ तक कहानी सही है। अब बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन जब लग गया यहाँ पे तो क्या केसेस होगा, सुनना। फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगा, इसका एक कंपोनेंट लगा, तो ब्लॉक का टेंडेंसी दो डायरेक्शन में हुआ, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। नीचे जब जाएगा, अगर इसका टेंडेंसी नीचे जाएगा, नीचे मूव करने का होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। अगर इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्या बताना चाह रहे, समझ आ रहा है, बहुत ही लॉजिकल बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें जब इस तरह का सिस्टम दिखा तो हम क्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन का एक, क्योंकि स्यूडो फोर्स जो होगा एम इंटू ए होगा, अगर एम इंटू ए होगा तो मास तो बढ़िया कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कि ये वाला ब्लॉक नीचे या ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे या ऊपर जाएगा, या इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे या ऊपर काम करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। अगर ये कम हुआ, तो इसके साइड में जो कंपोनेंट होगा वो भी कम होगा, ये कंपोनेंट कम होगा तो एम जी साइन थीटा ज़्यादा होगा, तो ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्लियर है। फिर सोचो, अगर ये वाला ब्लॉक, ये वाला एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट इसका इधर जो जाएगा, एम ए का कंपोनेंट जो जाएगा वो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो एम जी साइन थीटा से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ मूव करने का है, ऊपर मूव करने का है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक है ना। एक बार कम हुआ, एक बार ज़्यादा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम का मतलब ए मिनिमम, ज़्यादा का मतलब ए मैक्सिमम। इसका मतलब कि इसका एक रेंज होगा, इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होगा, इसका एक रेंज होगा, तो वो एक्सेलरेशन का रेंज हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अभी पहला केस क्या करते हैं हम लोग ना, कि ये वाला
मिनिमम मैक्सिमम को निकालना है। देखते हैं कैसे, देखो तो कैसे कर रहे हैं, देखो तो कैसे कर रहे हैं। एक केस हम करते हैं, एक केस तुम करना, ठीक है, बता देंगे कैसे करना है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ लगा यहाँ, तो इस शूट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शूट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, एम इन टू ए लगेगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस प्लेन पर देखा जाए तो ये एंगल भी कितना होगा, ये अगर थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट कितना काम करेगा, कंपोनेंट कितना काम करेगा, ये एम ए का कॉस थीटा काम करेगा, ठीक है ना। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, इसके इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, एम ए, एम ए साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एम ए साइन थीटा, सही है ना। ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बताओ कि बॉडी को रहना है किस में, इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है। तो अभी हम क्या मान रहे हैं कि पहला केस क्या मान रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक क्या आ रहा है, मान लो नीचे आ रहा है। पहला केस क्या मान रहे हैं कि ब्लॉक इज और ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड। जब मूव डाउनवर्ड की बात होगा है ना, तो फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन जब ऊपर लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर कितना लगेगा, म्यू इंटू क्या, एन, म्यू इंटू एन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन लग गया मतलब बॉडी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखते हैं फोर्स, देखते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, फोर्स देखो नीचे क्या लगे, देखो तो अलोंग द प्लेन यहाँ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, एम ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और क्या लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, म्यू इंटू एन लग रहा है, ठीक है ना। एन की बात करें तो इधर किस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, और नीचे में क्या लग रहा है, दोनों 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 लग रहा है, तो दोनों क्या, एम जी, एम जी कॉस थीटा प्लस क्या, एम ए साइन थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एम जी कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया, एम ए क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट बराबर करो, क्या हो गया मेरे पास, एम जी साइन थीटा है ना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस थीटा और प्लस क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा, इक्विलिब्रियम में तो बराबर होगा दोनों का है ना। ये एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अब बस हो गया, कहानी खत्म है, कहानी खत्म है, ठीक है। एक पार्ट हम निकालते हैं, दूसरा पार्ट तुम क्या करोगे, इसको अपवर्ड मूव करके क्या करना, फ्रिक्शन नीचे लगा देना और सेम तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो हम कर दे रहे हैं, एम जी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ देखना बढ़िया से, एम ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस म्यू, एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं म्यू से, तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, म्यू एम ए साइन थीटा हो जाएगा। देखना कैसे कर रहे हैं, देखना कैसे कर रहे हैं, साइन थीटा हमको ए निकालना है ना, तो यहाँ देखो यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ भी ए है, तो इसको इसको साथ रखो, इसको इसको साथ रखो, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, इसमें एम जी है, इसमें एम जी है, ये इधर आएगा, एम जी कॉमन लेंगे, एम जी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचा यहाँ पे क्या, साइन थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो सही है ना। यहाँ देखो क्या होगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एम ए कॉमन है, एम ए कॉमन लो, ठीक है। ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस थीटा होगा और यहाँ क्या आएगा, म्यू साइन थीटा आएगा, दिख रहा है ना, क्या आएगा यहाँ पे, म्यू साइन थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा, ये म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। बस हो गया, देखो एम से एम कैंसिल, ए निकालना है ना, ए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये जी, और ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस क्या, म्यू कॉस थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, ठीक है। एक और चाहो तो इसको क्या करो ना, इसको कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड कर दो, सपोज करो, या कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो अगर इसको डिवाइड कर दिए कॉस से तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा,
म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन ऊपर में क्या हो गया टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है ना। नीचे क्या होगा जब डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा वन, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। मतलब ए कितना लिख सकते हैं, ए कितना लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिख सकते हैं, जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू है ना। अब बाई में क्या लिख सकते हैं, वन प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है ना। देखो लिखो इसको, और दूसरा केस हमको खुद करना है, इसको अपवर्ड मानना है, बस कुछ नहीं है, अपवर्ड मान के फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा नीचे, और सॉल्व करना है ना। चलो करो इसको, लिखो तो फटाफट, इसको कॉपी करो इसको। ठीक है ना। तो ये कम्स कॉन्सेप्ट क्या हुआ, स्यूडो फोर्स विथ फ्रिक्शन, स्यूडो फोर्स जिसमें स्यूडो फोर्स भी लग गया और फ्रिक्शन भी लग गया, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। देखो आगे देखते हैं, ये केस सेकंड केस तुम लोग खुद करोगे। और देख लेते हैं इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो मान लो इसका मास दिया हुआ है 2m, इसका मास दिया हुआ है 4m, ठीक है। यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी क्या है म्यू है, ठीक है ना। तो और इस पे क्या लग रहा है, एक एक्सलरेशन या बोल रहे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, मतलब इस तरह का सिस्टम है और ये क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बात समझना है फिर से वही चीज़ कि पहला पॉइंट ये हमारा है कि ये यहाँ पर जैसे फोर्स लगा है तो ये सिस्टम में क्या आया एक्सेलरेशन आया, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका मतलब क्या लगेगा इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, एक बात हमें समझ में आ गई पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, 4m का टेंडेंसी कहाँ मूव करने का है, नीचे मूव करने का, ठीक है। 4m का टेंडेंसी क्या है मूव करने का, नीचे मूव करने का है ना। तो अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है तो ये नीचे मूव करने की टेंडेंसी में होगा, ये नीचे मूव करने की टेंडेंसी होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर ये नीचे मूव करेगा तो ये भी क्या करेगा, आगे मूव करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, पहला चीज, ठीक है। तो फिर से ये कहानी हो सकता है कि ये वाला मास, सॉरी ये वाला जो फोर्स है कम लगेगा तो इसका टेंडेंसी कहाँ होगा, नीचे आने का होगा। अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इस पर कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो इस पर कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है ना। अब सपोज करो कि इस पर फोर्स ना बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया, फोर्स बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया तो स्यूडो फोर्स काम करना शुरू करेगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स अगर यहाँ पर काम करना शुरू करेगा और ये अगर ये टेंशन और फ्रिक्शन से, तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्यूडो फोर्स काम करेगा, इस टाइप में काम करेगा स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स यहाँ क्या काम करेगा, टेंशन काम करेगा, और यहाँ क्या फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस टाइप में काम करेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसका टेंडेंसी कहाँ है, इस साइड मूव करने का। तो उस केस में अगर फोर्स ये ज़्यादा हो गया किससे, टेंशन से और किससे, फ्रिक्शन से है ना, ज़्यादा हो गया, तो फिर से क्या होगा है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो, दो में बस आया, एक कम वाला आया जब ये नीचे मूव करने की टेंडेंसी में था, और एक ज़्यादा आया जब क्या होगा, ब्लॉक इधर मूव करने की टेंडेंसी में होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, इधर लगा।
जब ये नीचे मूव करेगा तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, तो फिर से कहाँ लगा? पीछे लगा। मतलब फिर से यहाँ क्या बना? मेरे पास दो केस बना। दो केस क्या है? एक मिनिमम का, एक मैक्सिमम का। एक मिनिमम फोर्स का है ना, और एक मैक्सिमम फोर्स का, या एक मिनिमम एक्सेलरेशन का या एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। ठीक है, देखो कैसे कर लें प्रॉब्लम को। पहला चीज़ ये सुनो कि अगर अगर इसका मास मानते हैं, इसका मास तुम्हारा है 4m, ये बड़ा वाला ब्लॉक है ना, इसका मास है तुम्हारे पास 4m। ठीक है ना। पहली बात, ये पूरा सिस्टम का मास कितना दिख रहा है हमको? 2, 4, 4 है ना, 10 है ना। इसका मतलब कि ये वाला सिस्टम जो मूव कर रहा होगा, ये वाला सिस्टम मूव कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना है F, और मास कितना टोटल 10m, और एक्सेलरेशन कितना होगा A। A कितना होगा हमारे पास? F बाई क्या होगा? 10m। ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये सिस्टम मूव करेगा। अब देख रहे हैं क्या पहला केस, क्या मानते हैं कि ये वाला ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है नीचे मूव करने का, इसका एबीडी बनाते हैं। देखो तो एबीडी क्या बनाओगे इसका? 4mg नीचे लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा इसका? ऊपर लगेगा। ठीक है, ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ मूव करने का है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। अब ये वाला सिस्टम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, मतलब नॉन इनर्शियल है, मतलब स्यूडो फोर्स लगेगा इस मास पर। स्यूडो फोर्स, इसका टेंडेंसी क्या है? इधर जाने का है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है इसका? ए। ए मतलब, तो इसका मतलब कि इस पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। इस मास पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। कितना लगेगा? कितना लगेगा स्यूडो फोर्स? मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। तो ये कितना लगेगा? 4m इंटू ए लगेगा। यहाँ बॉडी कॉन्टेक्ट में है तो इस पर क्या लगेगा? इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा है ना। ये क्या माने हमने? एन माना। ठीक है, इसका देखते हैं, इसका एबीडी देखो तो क्या करेंगे। नीचे क्या लगा यहाँ पे? नीचे क्या लगा हमारे पे? 2mg लगा। ऊपर में क्या लगेगा? यहाँ पे एन मान चुके हैं ना, यहाँ एन1 मान लो, यहाँ एन1 मान लो। अब इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन। टेंशन कहाँ काम करेगा? आगे। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन तो हमेशा आगे काम करेगा। ठीक है ना। तो ये वाला ब्लॉक टेंडेंसी क्या है नीचे मूव करने का? तो इसका आगे जाने का, आगे जाने का, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। ठीक है ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और कितना लगेगा? कितना लगेगा? म्यू इंटू एन वन, म्यू इंटू एन वन। और ये यहाँ पे फिर यहाँ भी क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स अभी भी क्या लगेगा? यहाँ पे बैकवर्ड लगेगा। कितना लगेगा? मास। मास कितना है? 2m इंटू क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये वाला सिस्टम हमारे पास होगा। देखो बढ़िया से, ये हमारा पूरा पूरा का पूरा बढ़िया से एबीडी तुम बना दिए हैं, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है। स्यूडो फोर्स लगा दिए दोनों पे, नॉर्मलाइजेशन लगा दिए, एमजी ये सब लगा दिए। अब सिस्टम स्टेशनरी में है, अब तुम खेल कर सकते हैं पूरा। सिस्टम जब स्टेशनरी में होगा तो इक्वेशन लिखो पूरा, 2m के लिए इक्वेशन लिखो, 4m के लिए इक्वेशन लिखो। 2m का देखेंगे ना क्या क्या फोर्स दिखेगा। देखो तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। देखना यहाँ से, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आगे क्या दिख रहा है हमको? टी। पीछे क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2m इंटू ए। और क्या दिख रहा है? म्यू इंटू एन वन। एन वन कितना होगा? 2mg। सब इक्वेशन लिख लो फटाफट। एन वन क्या होगा? एन वन क्या होगा यहाँ पे? 2m इंटू जी होगा। ठीक है ना। और क्या होगा? t क्या होगा? t बराबर क्या होगा? 2ma प्लस क्या होगा? म्यू इंटू एन वन। सही है क्या? देखो इक्वेशन लिखते जा रहे हैं, बाकी तुम सॉल्व करना, बाकी तुम सॉल्व करना। ठीक है, और पूछा क्या? उसका दो इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, किसके लिए? 4m के लिए। 4m के वर्टिकल में देखे तो क्या लिखा? देखो तो t प्लस क्या? म्यू इंटू एन। टी प्लस म्यू इंटू एन किसके बराबर में होगा? 4mg के। क्या होगा ये? 4mg के बराबर में होगा। ठीक है ना। और क्या होगा हॉरिजॉन्टल में? देखो तो इस पर इधर लग रहा है क्या? नॉर्मल एक्शन। इधर क्या लग रहा है? 4m में। तो नॉर्मल एक्शन क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? 4ma। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। निकाल लो, जैसे सॉल्व करके निकालना है निकाल लो, जो चाहेंगे निकाल सकते हैं। जैसे देखो इसमें इसको पुट करो नॉर्मल एक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है क्वेश्चन, यहाँ भी ठीक है क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करना सॉल्व कर लो, ये एन वन का वैल्यू यहाँ पुट कर लो। ठीक है, यहाँ से टी निकलेगा, यहाँ से टी निकलेगा, सॉल्व कर लेगा तो ए निकल सकता है, टी भी निकल सकता है। ए निकल जाएगा तो फोर्स भी निकल जाएगा, जो चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो चाहे हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एन का वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, यहाँ से टी निकालो, यहाँ भी टी है तुम्हारे पास, दोनों को बराबर कर लो, ए निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? करना खुद से।
इसे खुद से करना। अब फिर दूसरा केस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जस्ट इसको स्टेशनरी रखना था, ब्लॉक करने से क्या था नीचे मूव करने का, तो ये इसका आगे जाने का, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे। अब फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स अगर ज़्यादा बढ़ गया 2A में क्या हो गया, टेंशन से ज़्यादा हो गया। सपोज अगर ये ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शन यहाँ लगा था पीछे, अब क्या लगने लगेगा, आगे लगने लगेगा। और आगे लगा के क्या करना है हमको, सारा इक्वेशन फिर से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, फिर हम चाहेंगे तो ए निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है, है ना। लिखो इसको, इसको लिखो, पूरा का पूरा गेम वही है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिंपल सा हम एप्लीकेशन कर रहे हैं पूरा का पूरा, और कर सकते हैं। बस अब तुम वो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करें, हिंट्स देते रहें, बस तुम बनाते जाओ, जितना टिपिकल प्रॉब्लम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का सिस्टम होगा। फिर भी कर ले हम, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक और इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, देखना इसके ऊपर क्या है, एक और ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, यहाँ एक पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली है, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे आके, ऐसे आके ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, इस तरह का सिस्टम। देखो यहाँ भी दिया म्यू दे दिया, यहाँ भी म्यू दे दिया, ठीक है ना। इसका मास, मास मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, ठीक है, इसमें ये स्मॉल m, ये 2m, ठीक है ना। बस समझा रहे प्रॉब्लम, बनाना तुम खुद से, ठीक है, बनाना तुम खुद से, करना क्या देखो तो बढ़िया से लॉजिक समझो, क्या बता रहे हैं, लॉजिक क्या है हमारे पास, ये जब फोर्स लगेगा इस पर तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, आगे मूव करने का होगा। अगर ये वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, नीचे में क्या है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा, कितना काम करेगा, म्यू इंटू एन, एन निकाल लेंगे हम। अब ये जब ब्लॉक आगे मूव करेगा तो इस ब्लॉक पर कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा था, इस ब्लॉक को क्या दिखा, ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा। ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक स्मॉल एम वाला, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक 2m वाला m को क्या किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, समझा रहे क्या बोल रहे। ये वाला ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है मूव करने का, लेफ्ट में, ये 2m का टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट में, ठीक है। तो m को क्या दिखा कि ये आगे जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये पीछे खींचेगा, ठीक है, है ना, इसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे कि ये वाला यहाँ पे टेंशन काम करेगा ऐसा करके, ठीक है, यहाँ भी क्या करेगा, टेंशन काम करेगा, है ना, क्या काम करेगा, टेंशन काम करेगा। तो वही बता रहे हैं तुमको कि ये वाला ब्लॉक फ्रिक्शन इस पर इधर लगाया, तो ये वाला क्या लगा देगा, इस पर, इस डायरेक्शन में लगा देगा, सॉरी उसमें गलत बोल रहे थे, इधर लगा देगा, ठीक है ना। अब एक और बात बोलो, सोचो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं है, मतलब स्लाइडिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, अगर स्लाइडिंग नहीं है तो ये ब्लॉक पूरा सिस्टम ना साथ साथ मूव करेगा, मतलब क्या होगा कि ये वाला सिस्टम साथ साथ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जब फोर्स लगाएंगे, जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो जब ये वाला आगे इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, है ना। मतलब तुम देखो तो अगर ये वाला इधर मूव किया और ये साथ साथ मूव करना है तो क्या होगा कि ये ब्लॉक पूरा सिस्टम इधर मूव करना चाहिए था, ये पूरा सिस्टम अगर इधर मूव करेगा तो रस्सी में टेंशन आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिस्टम रेस्ट में रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा, सिस्टम
रेस्ट में रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, मान लो कि इस ब्लॉक का क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, इधर मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। अगर ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इसको क्या दिखेगा कि ये वाला आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या करेगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला मास क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब कि अगर इसका देखेंगे तो आगे क्या फोर्स दिखेगा हमको, एफ दिखेगा, पीछे नीचे में क्या एक और फ्रिक्शन दिखेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन दिखेगा, टेंशन भी दिखेगा। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? अगर ये वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, अपोज करेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लगाएगा, इसको ऐसे लगाएगा, पीछे लगा देगा। और यहाँ ग्राउंड सर्फेस को भी क्या दिखेगा कि ये आगे जा रहा है, तो यहाँ भी क्या लगा देगा, ये फ्रिक्शन पीछे लगा देगा। और यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, तो पीछे में क्या लग रहा है, फोर्स, यहाँ भी फ्रिक्शन, यहाँ भी फ्रिक्शन, और यहाँ पे टेंशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये एफ माइनस ये वाला फ्रिक्शन और टेंशन इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लॉक अगर जाएगा ए एक्सेलरेशन से आगे, तो ये वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा किससे, ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में। जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इस पर कहाँ काम करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। टेंशन क्या काम कर रहा है, आगे टेंशन, पीछे क्या, फ्रिक्शन, है ना। तो टी माइनस और फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बस सॉल्व करना दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बस एक प्रॉब्लम का ऑपरेशन समझाया है तुमको, कोशिश करना, ठीक है। ये सब थोड़ा बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, इसलिए बता दे रहे हैं, सॉल्व बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है ना। चलो अब प्रॉब्लम जो डाउट होगा वो करेंगे। एक बस हम लोग भी सीख लेते हैं मल्टी ब्लॉक सिस्टम, और लेक्चर को हम लोग, टाइम भी तुम्हारा हो रहा है आज का। थोड़ा सा करते हैं मल्टी ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है। तो मल्टी ब्लॉक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मल्टी ब्लॉक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, और किसी ब्लॉक पे क्या होगा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में लग रहा होगा। जैसे तो इसमें दो तरह का है, एक टू ब्लॉक सिस्टम, एक थ्री ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना। एक टू ब्लॉक सिस्टम, एक क्या है, थ्री ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम पहले हम लोग करते हैं। मल्टी ब्लॉक सिस्टम में जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक मास है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, बाकी कुछ नहीं है, वैल्यू के साथ देख लिख रहे हैं। मान लो ये 10 केजी का, ठीक है, और इसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है जो कि कितना है, 5 केजी का, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इसे फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन का, सपोज यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, यहाँ म्यू दिया हुआ है 0.2, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, ठीक है, इस तरह का सिस्टम है। अब प्रॉब्लम को बढ़िया से एनालाइज करते हैं पहले, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे आगे मल्टी ब्लॉक सिस्टम का। सबसे पहले बात सुनो क्या बोल रहे हैं, जब इस ब्लॉक पे 10 केजी वाले पे 40 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तो 10 केजी का टेंडेंसी क्या होगा आगे मूव करने का। अगर 10 केजी का टेंडेंसी क्या होगा आगे मूव करने का, तो इसके कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ये बात तो हमें समझ में आती है बढ़िया से कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, अच्छा कितना लगेगा इस सरफेस पे, कॉन्टेक्ट नॉर्मल एक्शन कितना आएगा, 10, 5, 15। इस पूरे सिस्टम को मानो क्या, 15 केजी का ब्लॉक, तो 15 केजी का ब्लॉक होगा, तो 15 केजी का नीचे इसका एमजी लगेगा, कितना एमजी लगेगा, 150, कितना लगेगा ये, 150 न्यूटन। तो नॉर्मल एक्शन क्या आएगा, इस यहाँ पर कितना आएगा नॉर्मल एक्शन, एन आएगा, और एन किसके बराबर में होगा,
150 के बराबर में होगा। ये बात समझ में आती है कि n कितना होगा, 150 के बराबर में होगा। और अगर n 150 के बराबर में होगा तो यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा म्यू इंटू एन आएगा। यहाँ का म्यू कितना है, 0.2 है, और n कितना है, 150 है। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आया, 30 आया। क्या आया हमारे पास, 30 आया। ठीक है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये एफ एक्स मैक्स है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 30 न्यूटन का और आगे कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का, मतलब ये बात तो तय है कि ये वाला 10 केजी का जो ब्लॉक है, ठीक है, ये 10 केजी का जो ब्लॉक है ये पक्का मूव करेगा। ये बात हम श्योर हो गया, क्योंकि फोर्स आगे ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन आगे कम है, है ना, नेट फोर्स आगे ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक 10 केजी का जो ब्लॉक है वो मूव करेगा। अब जब 10 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जब ये चलेगा तो इस पर भी क्या करेगा, इसको भी चलाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ चलने, 5 केजी का चलने का दो तरह का तरीका है चलने का। एक तो ये होगा कि विदाउट स्लाइडिंग चले, मतलब कि जितना ये चले, है ना, इसके साथ चले ये, मतलब 10 केजी वाला के साथ साथ ये भी मूव करें, पहला चीज़ ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला चलेगा लेकिन क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये चलेगा तेज़ी से और ये चलेगा धीरे धीरे, ये चलेगा तेज़ी से, ये चलेगा धीरे धीरे, तो क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। अब ये सोचो कि स्लाइड क्यों करेगा, पहले ये सोचो कि ये चलेगा क्यों, फोर्स तो लग रहा है 10 केजी वाले पे, तो ये क्यों चलेगा भाई, इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स इस पर काम कर रहा होगा। देखो तो यहाँ भी म्यू है, जब ये वाला ब्लॉक चलेगा आगे की तरफ, ठीक है, तो ये वाला फिर से वही कहानी कर रहे हैं कि ये वाला मास को क्या दिख रहा है, 5 केजी वाला मास को क्या दिख रहा है कि ये 10 केजी वाला क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। 10 केजी वाला आगे जाएगा तो 5 केजी वाला क्या कहेगा कि भाई तुम आगे जा रहा है तो हमको भी नहीं, तुम आगे जा रहा है, हम रुके हुए हैं, हम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक काम करो तुम पीछे आओ। तो ये 5 केजी वाला क्या कहेगा, इसको पीछे लगाया फ्रिक्शन। तो 10 केजी वाला क्या बोलेगा कि अरे हम आगे जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। तो 10 केजी वाला क्या लगाएगा, इसको आगे की तरफ फोर्स लगा देगा। तो क्या दिखेगा कि ये 5 केजी वाला ब्लॉक पे ना ये सिंगल एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स ही क्या कर रहा है, 5 केजी वाला ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा रहा है। ठीक है, 5 केजी वाला ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है, आगे, फ्रिक्शन मूव करा रहा है। अब अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो साथ साथ मूव करेगा ये वाला, अगर फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है, अगर फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो 5 केजी वाला ब्लॉक क्या करेगा, कहेगा कि भाई हमारे पास उतना फोर्स नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास फोर्स ज़्यादा है, तुम्हारा एक्सेलरेशन ज़्यादा है, हमारे पास फोर्स कम है, हमारा एक्सेलरेशन कम होगा, तो तुम्हारे साथ हम कैसे चलेंगे, है ना। तो 10 केजी वाला ब्लॉक जल्दी जल्दी भागेगा और 5 केजी वाला क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम का पूरा एनालिसिस है। अब इसी में हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को अलग अलग तोड़ के समझेंगे। ठीक है ना, अलग अलग पार्ट को तोड़ के समझेंगे। एक और चीज़ सुनो, अभी पूरा एनालिसिस करते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम। पूरा बता रहा तुमको ना कि मल्टी ब्लॉक सिस्टम का जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो बुक में कभी तुमको समझ नहीं आने वाला है। हम कहानी बता दे रहे, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा, किसी बुक से तुम पढ़ लेगा ये चीज़ ना, तुमको समझ में नहीं आएगा। एक वो प्रॉब्लम तुम पार्टिकुलर प्रॉब्लम बना लोगे लेकिन अगला प्रॉब्लम तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन का टफेस्ट पार्ट है, ये फ्रिक्शन का टफेस्ट पार्ट है, बता दे रहे हैं। ये अगर मतलब मैक्सिमम जगह तुमको ये छोड़ दिया जाता है, जहाँ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है बढ़िया सा, वहीं ये सब चीज़ को 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, रीज़न उसका ये है कि बच्चों को मैक्सिमम को समझ में ही नहीं आता ये चीज़, और मतलब कंपटीशन पॉइंट से एडवांस में पूछता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो लेकिन हमको क्या है तो फिजिक्स बहुत आसान है, एक बार समझ लेंगे मेरे बहुत आसान हो जाएगा पूरा का पूरा। अब एक और बात सोचो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ लगा होता है, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा होता, अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा होता तो क्या ये सिस्टम मूव करता, अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा होता तो फ्रिक्शन कितना है, 30 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ 20 न्यूटन लगा, यहाँ
थर्टीन टू अवेलेबल है तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। जब ये सिस्टम मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन का कोई भी मतलब नहीं बनता है, मतलब कि ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर 10 केजी वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये क्या है, जंप करके भागेगा आगे? नहीं जाएगा ये, ठीक है। 5 केजी वाला ब्लॉक भी नहीं जाएगा, है ना। तो मतलब पूरा दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अभी हम प्रॉब्लम का एनालिसिस किए हैं बढ़िया से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम, थ्री ब्लॉक सिस्टम बढ़िया से हम करते हैं पूरा लेक्चर में, ठीक है ना। चलो आज का लेक्चर पूरा कवर करना है, एसीबी सॉल्व करना है पूरा, और असाइनमेंट जाएगा उसको सॉल्व करना, जो डाउट होगा भेजना, हम लोग करेंगे पूरा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।